यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं 10th April 1 का पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट बीटा जीरो बीटा टू जीरो टू द एक्स बाय वन वाई माइनस वन अपॉइंट जीरो जेड प्लस वन अपॉइंट माइनस वन इज रूट थ्री बाय टू देन बीटा। आपसे बीटा पूछा है, समझिएगा ये लाइन दी है, इस लाइन पर आपने बीटा जीरो और बीटा से एक परपेंडिकुलर डाला तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लगेगा आपको, तो आपको ये लेंथ पता है, मान लीजिए पीएम है तो पीएम पता है, रूट थ्री बाय टू आपको बीटा बताना। इस सिंपल इस लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू ले लेते हैं हम, क्या लैम्डा जैसा हम करते आए तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे लैम्डा वन माइनस लैम्डा माइनस वन, राइट। अच्छा, इसका इसके वो है डायरेक्शन कोसाइन रेशियो वन जीरो माइनस वन, इसके क्या हो जाएंगे लैम्डा माइनस बीटा वन माइनस लैम्डा माइनस वन माइनस बीटा, डायरेक्शन रेशियो का जीरो लैम्डा माइनस बीटा प्लस जीरो और माइनस वन के साथ क्या, तो सब कुछ प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस वन प्लस बीटा दिस इक्वल टू जीरो, बीटा से बीटा कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू माइनस वन बाय टू, लैम्डा बाय टू आ, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस वन बाय टू वन और माइनस वन बाय टू, राइट। अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें बोला गया है रूट थ्री बाय टू, तो डिस्टेंस में टू पॉइंट में लगाऊं तो एक तरह से मिलेगा बीटा प्लस वन बाय टू का स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं वन स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वन बाय टू का स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाय टू, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये सबट्रैक्ट हो जाएगा तो टू होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाय फोर, ओ सॉरी वन बाय टू, और ये टू उधर चला गया तो वन बाय फोर हो जाएगा, तो बीटा प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन बाय फोर, देयरफोर बीटा प्लस वन बाय टू इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय टू, टेकिंग पॉजिटिव टाइम पॉजिटिव साइन, बीटा इक्वल टू जीरो टेकिंग निगेटिव, बीटा जीरो नॉट लिखा ही है पहले से, निगेटिव साइन लिया तो बीटा इक्वल टू माइनस वन, देन दिस इज द राइट आंसर, बीटा की वैल्यू माइनस। समझ क्वेश्चन में क्या किया है, इस लाइन पर हमने एक पॉइंट लिया इसको लैम्डा से इक्वेट करके, डायरेक्शन रेशियो निकाले परपेंडिकुलर लाइन के, इसके दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया तो लैम्डा मिला, लैम्डा पुट कर दिया, डिस्टेंस भी टू पॉइंट लगाया और उसको कंपेयर कर दिया रूट थ्री बाय टू से, तो बीटा की वैल्यू आ गई, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या, इफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ जीरो इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर वन माइनस थ्री एक्स पावर फिफ्टीन इन पावर ऑफ एक्स, देन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट और एक्स क्यूब का कोफिशियंट जीरो दिया है तो आपको ए और बी निकालना, एक्चुअली में तो दो इक्वेशन बनेंगी पर क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट में करना चाहें तो हम एक काम ये करके देखते हैं, वन प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर वन माइनस 15 सी वन यानी 15 इंटू माइनस थ्री एक्स, मतलब माइनस मत लिखिए, प्लस 15 सी टू थ्री एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी स्क्वायर से काम चलता तो ठीक है, नहीं तो क्यूब पे पहुंचेंगे। अब कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करें तो जीरो है, अब कब कब मिलेगा, ऑब्वियसली इसका इसमें होगा तो मिलेगा, तो 15 सी टू 15 इंटू 14 अपॉन टू इंटू 9 प्लस इसका इसमें होगा तो मिलेगा, तो ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 45 इंटू ए, राइट, और फिर इसका इसमें होगा तो मिलेगा, तो बी ये आ गया बी। अब मेरे पास ऐसी इक्वेशन आ गई, देखिए ये है 15, ये हो गया 7 टाइम कैंसिल, राइट। अच्छा यहां 15, ये इसको चाहे तो 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 15 3 जा 45, 15 3 जा 45, 45 45 तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 21 माइनस ए प्लस बी अपॉन 45, या ऐसा भी बोल सकते हैं a माइनस बी अपॉन 45 इक्वल टू 21। अब ऐसा पेयर लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करे, तो लॉजिकली अपॉन में 45 है तो मुझे सबसे पहले जाना चाहिए 315 में, अगर मैं 315 को 45 से डिवाइड करूं, राइट, तो डायरेक्टली हो रहा है, देखिए 9 से हो रहा है, 9 5 जा 9 3 जा 27 4 45 और ये 7 टाइम, यानी अगर मैं b के प्लेस पर 315 बाय 45 लिखूं तो ये मिलेगा a माइनस 21, राइट,
ए माइनस सॉरी ए माइनस सेवन इक्वल टू 21 यानी ए इक्वल टू 28, ऐसा कोई पेयर है? दिस आंसर, यानी यहीं पर काम हो गया से करते कंपेयर तो थोड़ा टाइम। देखिए मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, फिर समझिएगा। सिंपली 1 प्लस ax प्लस bx स्क्वायर इनटू 1 माइनस 3x की पावर 15, पावर ऑफ x बोला है। क्या करेंगे, इसको मैंने इसको ऐसे रहने दिया, इसको ओपन किया, 1 माइनस 15 इनटू 3x प्लस 15 2 इनटू 3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा है ऑर्डर पेयर a और b का, आपने केवल x स्क्वायर के कोफिशिएंट से कंपेयर कर दिया, आपको इजीली एक इक्वेशन बनी, ऑप्शन a और b के पुट करें, और वो भी b के इसलिए 45 था तो सीधा ये दो होने नहीं थे, 315 लिया मैंने, 315 के कॉरेस्पॉन्डिंग ए 28 मिल रहा, तो एक पेयर आपको यहां पर मिल गया, राइट? नोट यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 × 1³ प्लस 5 × 1³ प्लस 2³ प्लस 2² 7 × 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ 1² 2² 3² एंड सो ऑन, फाइंड एस 10। क्वेश्चन समझने वाला है, क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लीजिए। अब देखिए में एस टेन बोला है, अगर एस एन बोला होता तो आप ऑप्शन से कर लेते, यानी यहां पर आप क्या करोगे, देखिए समझिएगा, सिंपल टी एन बोलूं तो 3 5 7, इसका निकालेंगे तो 2n+1, यहां पर 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, यानी मैं बोल सकता हूं सिग्मा एन क्यूब अपॉन सिग्मा एन स्क्वायर। अब देखिए एन की जगह तो 3, 1 का क्यूब अपॉन 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 5, 1 का क्यूब 2 का क्यूब अपॉन राइट दिस। अब देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, कैसे 2n+1, मैं आपको बताता हूं, कहीं पे मल्टीप्लाई मत कर जाना, ये n+1 का स्क्वायर इनटू n स्क्वायर अपॉन 4, और ये होगा n n+1 2n+1/6। अब देखिए क्या होगा, ये 2n+1 कैंसिल, एक n कैंसिल, एक n+1 कैंसिल, ये 2 ये 3, यानी आपको एक तरह से मिल गया 3/2 n × n+1, या ऐसा भी बोल सकते हैं 3/2 n² + n। ये मैंने एक पेपर में और बताया था, इसको डायरेक्टली करिए, 3/2 n × n+1/2 कॉमन, दोनों का कॉमन पार्ट यहां मिलेगा, 2n+1/3 तो 2n+4/3, जितना डायरेक्ट करने की कोशिश करा करिए, 3 से 3 भी कैंसिल, एक 2 भी कैंसिल, तो n × n+1 × n+2 बाय फाइनली मिला आपको एक तरह से एक ये वाला 2। एन के प्लेस पे 10 रख दीजिए, 10 11 12/2, ये 6 टाइम कैंसिल, 660 इज अ राइट आंसर। जितनी स्टेप मेंटली कर सकते हैं करने की कोशिश करिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन से करेंगे कभी प्रॉब्लम, समझिएगा। यहां पर मैंने क्या करा, इसमें सिग्मा, जब आप टीएन से एसएन में जाते हैं तो मैंने आपको बताया था, टीएन से जब आप एसएन में जाएंगे तो क्या होगा, 3/2 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा, अब सिग्मा एन का जो कॉमन पार्ट है वो बाहर लिख दिया, और हुआ पार्ट था, देखो जब आप ये कॉमन लेते हैं, अब देखिए कितनी स्टेप्स हैं, n n+1 2n+1/6 प्लस n n+1/2 n × n+1/2 2n+1/3 प्लस 1, वो एलसीएम लेके भी ऐड कर दिया, यानी छोटी छोटी स्टेप्स आपका बहुत टाइम सेव करती है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग टू 0 टू पाई अपॉन अल्फा पावर माइनस 12 प्लस बीटा पावर माइनस अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। देखिए ये 1 लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से रिजल्ट मिलेगा अल्फा पावर 12 बीटा पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की होल पावर 24, राइट? यानी अल्फा बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अभी देखते हैं, रखिएगा इसको आपने 1 अपॉन अल्फा पावर 12 1 अपॉन बीटा पावर 12 ऐड करके। अब अगर हम इसमें समझें तो पहले इसके रूट्स को समझें, तो अभी क्वेश्चन हो जाएगा, साइन थीटा के टर्म में है, अगर मैं आपसे बोलूं एक्स क्या है तो आप बोलते हैं माइनस साइन थीटा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, ये माइनस था इसलिए बाय। इसका मतलब लॉजिकली थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है, तो थीटा प्लस रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा बाय 2। अगर मैं आपसे बोलूं बीटा तो आप बोलते हैं माइनस साइन थीटा माइनस रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा बाय 2। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा करिए, तो अल्फा इंटू बीटा जब आप करेंगे
तो देखिए अल्फा इंटू बीटा किया तो ध्यान दीजिएगा दोनों का माइनस कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो आपको एक तरह से मिलेगा कितना साइन स्क्वायर थीटा, समझिएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस एट साइन थीटा अपॉन नीचे का टू इंटू टू फोर, यानी बेसिकली अल्फा बीटा मिल गया टू साइन थीटा, राइट अल्फा बीटा मिल गया टू साइन थीटा। अब अल्फा माइनस बीटा जब करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, जब अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो प्लस ये दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड हुए तो टू टाइम्स तो टू अपॉन का है तो टू से टू कैंसिल, तो एक तरह से मुझे मिला रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस एट साइन थीटा, राइट। अब ये दोनों वैल्यू को अगर मैं यहां पर रख दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा टू की पावर ट्वेल्व साइन पावर ट्वेल्व थीटा अपॉन, जब माइनस किया तो ये मिला तो पावर खत्म हो गई, तो एक साइन थीटा इसको भी ऐसा कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा इंटू वन प्लस सॉरी साइन थीटा प्लस एट, राइट पावर 24 थी 12 बची, यानी साइन पावर 12 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एट की पावर 12, ये भी कैंसिल तो आंसर मिलेगा भाई, इसी फॉर्म में आंसर दिए टू पावर 12 साइन थीटा प्लस एट की पावर 12, दिस इज द राइट आंसर टू पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस एट की पावर 12, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।